नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दाखिल खारिज अप्लाई किए हुए 2 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक मेरा दाखिल खारिज कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो मैं क्या करूं। दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि हम जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन रजिस्ट्री के बाद जो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया में जाते हैं, तो दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। जब ऑनलाइन अप्लाई हम दाखिल खारिज में कर देते हैं तो उसमें कुछ समय सीमा है जो कि उतना टाइम लगता है। जैसे कि आप जिस दिन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए उस डेट से लेकर उसकी समय सीमा है कि 90 दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों का देखा है कि 90 दिन क्रॉस भी कर जाता है, तो काम बहुत सारा होता है राजस्व कर्मचारी के पास, अंचलाधिकारी के पास, जिसके कारण यह समय और ज्यादा भी लग जाता है। तो आपका 2 महीना हुआ है तो घबराएं नहीं, ठीक है। उम्मीद रखिए कि 3 महीने के अंदर हो जाएगा। यदि 3 महीने के अंदर भी, मतलब 90 दिन के अंदर भी यदि नहीं हो पाता है, तब आप इंतजार करें, या फिर हो सके तो एक बार आप अंचलाधिकारी से मिले या फिर राजस्व कर्मचारी से मिले। आपका काम होगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आप अप्लाई कर दिए हैं तो हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो जमीन खरीदे हैं वह जमीन सही हो, किसी तरह का मान लीजिए कोई केस ना चल रहा हो या कोई आपत्ति तो नहीं लगा दिया है किसी कारणवश, तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। कभी कभी इसके कारण भी लेट हो जाता है।